वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी हमारी क्लास ट्वेल्थ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीआर सीरीज जिसमें लगभग सारे चैप्टर्स इंप्लॉयमेंट तक के सारे चैप्टर्स का प्रॉपर लाइन बाय लाइन एनसीआर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ लास्ट के दो चैप्टर्स रहते हैं आज हम लोग करेंगे हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक चैप्टर और रहता है चैप्टर का नाम की एनवायरमेंट क्या होता है उसके बाद में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो पूरा हमारा चैप्टर है ये चैप्टर तीन पार्ट के अंदर हमारा डिवाइड हो रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे कि जो एनवायरमेंट है वो होता क्या है एनवायरमेंट का हम मीनिंग डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट के हम फंक्शंस वगैरह डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे लेकिन देन सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया हम हमारी कंट्री के एनवायरमेंट को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं किस तरह से हम रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन एंड देन थर्ड पार्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया जी डेवलपमेंट हो लेकिन डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को खत्म ना करें डेवलपमेंट ऐसे हो कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े हम हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में सारे रिसोर्सेज को खत्म ना कर दें हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी ये रिसोर्सेज देकर जाने हैं डेट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि रिसोर्सेज का मिस यूज ना हो एक्सप्लॉइटेशन ना हो हम हमारे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचाए डैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये तीन चीजें हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर करनी है शुरू करें फटाफट से देखो चैप्टर की शुरुआत होती है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट वी हैव अचीव्ड सो फार हैज कम एट अ वेरी हैवी प्राइस एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी हमें पता है ये जो सेवेंटी ईयर से हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है आज़ादी के बाद से ये डेवलपमेंट हम लोगों ने हासिल करा है लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत ही हैवी कॉस्ट चुकानी पड़ी है डैट इज कि हम लोगों ने धीरे धीरे हमारे एनवायरमेंट की क्वालिटी को ख़राब कर दिया आज हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में आप देखो एयर पॉल्यूशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वाटर पॉल्यूशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास में फ्रेश वाटर नहीं है पीने लायक पानी नहीं है जो पानी है वो एक इकोनॉमिक गुड बन चुका है कि हमें मिनरल वाटर खरीदना पड़ता है बिस्लरी वाली बॉटल्स खरीदनी पड़ती है घर में हमें आर लगवाना पड़ता है लैंड की क्वालिटी डे बाई डे खराब होती जा रही है बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है कोल पेट्रोल जिसे हम अन्ना यूज कर रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं आने वाले टाइम में हो सकता है ये सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो हम लोगों ने डेवलपमेंट हासिल करा है अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है लेकिन क्या कॉस्ट हमें चुकानी पड़ रही है कि हमारे एनवायरमेंट की क्वालिटी धीरे धीरे खराब होती जा रही है एज वी an इन टू एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन economic प्रोमिस हायर have ग्रोथ वी हैव टू the इन माइंड द एडवर्स past डेवलपमेंटल पाथ और आर environment एंड कॉन्शियसली चूज अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पे चलते जा रहे हैं कि आज पूरी दुनिया एक हो चुकी है हम बहुत सारे हमारे गुड्स दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से हम बहुत सारे गुड्स इम्पोर्ट करते हैं मतलब दुनिया एकदम छोटी हो चुकी है मार्केट एकदम खुल चुका है तो इस ग्लोबलाइजेशन के साथ में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन हमें हमारे दिमाग में रखना है कि जो का हमें जरूरत है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता अपनाए कि डेवलपमेंट हम इस तरह से करें कि एक तो हम हमारे रिसोर्सेज को बचा बचा के रखें रिसोर्सेज को हम इनडिसक्रिमिनेटली बिना सोचे समझे यूज ना करें हमें यह मान के चलना है कि यार ये जो रिसोर्सेज है ये बल्कि हम लोगों ने हमारी फ्यूचर जनरेशन से बोरो करे हैं और हमें हमारे बच्चों को ये सारे रिसोर्सेज कोल पेट्रोल वगैरह एज इट इज देकर जाना है प्लस हम हमारे एनवायरमेंट को भी कोई हार्म ना पहुंचाए इस तरह के डेवलपमेंट का रास्ता हमें चुनना है करेक्ट हो गया समझ में आ गया अब देखो ये जो चैप्टर है हमारा ये मैंने पहले भी बताया आपको तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड है फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एनवायरमेंट होता क्या है एनवायरमेंट के क्या क्या कॉम्पोनेट्स हैं और एनवायरमेंट का क्या रोल है एनवायरमेंट के क्या क्या फंक्शंस है करेक्ट है सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट हमारे एनवायरमेंट को डिस्कस करेंगे कि हमारे एनवायरमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेस प्रेजेंट हैं हमारे एनवायरमेंट के अंदर आज की डेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन वगैरह और लास्ट में हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजीज टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज कौन कौन से रास्ते अपनाने पड़ेंगे करेक्ट शुरू करें देखो सबसे पहले बात करते हैं एन्वायरमेंट होता क्या है एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटालिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज देखो एनवायरमेंट का मतलब क्या है हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ हमारे लिए क्या है हमारा एनवायरमेंट है हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे प्लांट्स हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं माउंटेन्स हैं रिवर्स है ये सॉइल है कोल है पेट्रोल है गोल्ड है बहुत सारे अदर मिनरल्स हैं सब कुछ हमारे लिए क्या है हमारा एनवायरमेंट है तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट और अच्छी डेफिनेशन हो गई टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस हम लोगों ने इस प्लानट से जितना भी कुछ पाया है इस प्लानट ने हमें जो भी सारी चीजें दी हैं हमारे आस में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है हमारा एनवायरमेंट है समझ में आया अब देखो एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं एक कंपोनेंट होता है बायोटेक क्या कॉम्पोनेंट और एक कंपोनेंट होता है अ बायोटेक कंपोनेंट देखो बायोटेक कंपोनेंट का मतलब है हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी लिविंग थिंग्स है जो सांस लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारी चीज़ें किसमें आती है बायोटेक कॉम्पोनेंट्स के अंदर बायोटेक एलिमेंट्स के अंदर प्लस जितनी भी चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं फॉर एग्जाम्पल एयर है वॉटर है, water है सॉइल है कोल है पेट्रोल है बहुत सारे अदर मिनरल्स है मैंगनीज है गोल्ड है सिल्वर है वो सारी चीजें किसके अंदर आती है अबायोटेक एलिमेंट्स के अंदर तो वही लिखा है बर्ड्स एनिमल्स प्लांट्स हमारे फॉरेस्ट हमारी फिशरीज वगैरह सब किसमें आता है बायोटेक एलिमेंट्स में एयर वाटर लैंड हमारे रॉक्स हमारी सनलाइट किसमें आ जाता है अबायोटेक एलिमेंट्स के अंदर इनके आपस का रिलेशन की किस तरह से बायोटेक कॉम्पोनेट्स अबायोटेक कॉम्पोनेट से रिलेटेड है और कैसे ये सारी चीजों का रिलेशन हमारे साथ में है कैसे हम इन सब चीजों पर डिपेंडेंट है इस पूरे रिलेशन को ही हम लोग क्या कह देते हैं एनवायरमेंट करेक्ट है अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ़ एनवायरमेंट कि एनवायरमेंट का क्या फंक्शन है या फिर एनवायरमेंट का क्या रोल है चार फंक्शन है हमेशा याद रखना है नंबर वन है इट इट्सप्लाइज रिसोर्सेज देखो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन करना है तो हमें पानी भी चाहिए हमें सॉइल भी चाहिए हमें एयर भी चाहिए हमें कोल भी चाहिए हमें बहुत सारे अदर मिनरल्स चाहिए ये सारे रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं एनवायरमेंट से मिलते हैं तो एनवायरमेंट हमें क्या करता है रिसोर्सेज सप्लाई करता है अब देखो ये जो एनवायरनमेंट है ये हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी देता है ये एनवायरमेंट हमें नॉन रेन्यूएल रिसोर्सेज भी देता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कभी खत्म नहीं होंगे ये बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं ये कभी डिप्लीट नहीं होंगे ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे इज रिसोर्सेज अपने आप रिन्यू होते जा रहे हैं आप कितना भी सनलाइट के अंदर बैठ जाओ रोज धूप में बैठो चौबीस घंटे ठीक है कभी सनलाइट खत्म होगी नहीं होगी आप कितनी भी हवा खा लो कभी हवा खत्म होगी नहीं होगी तो ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज है ये भी

हम लोग जो इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं कंजम्पशन के प्रोसेस में बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है घर में खाना बनाते कितना वेस्ट जनरेट होता है अगर आपने चाय भी बनाई है ना एक कप चाय में भी वो चाय पत्ती अदरक कितना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है तो कंजम्पशन के प्रोसेस में भी वेस्ट जनरेट हो रहा है प्लस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर भी जब इंडस्ट्रीज में कोई प्रोडक्ट बनता है तो भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है ये सारा वेस्ट कहाँ जाता है तो एनवायरमेंट इस सारे के सारे वेस्ट को अपने अंदर क्या कर लेता है एसीमुलेट कर लेता है बोले तो एब्स कर लेता है समा लेता है थर्ड है इट सस्टेन्स लाइफ अगर एनवायरमेंट है तो लाइफ पॉसिबल है जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट है तो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं तो एनवायरमेंट है तो लाइफ पॉसिबल है, तो है और एनवायरमेंट हमें एस्थेटिक सर्विसेज भी देता है एक ब्यूटिफुल सीनरी ऑफर करता है इतने सारे माउंटेन्स हैं इतनी सारी रिवर्स है इतने सारे झरने वगैरह है ये सारी चीजें क्या है एस्थेटिक सर्विसेज है आंखों को इन सब चीजों को देख कर सुकून मिलता है हम लोग वेकेशन वगैरह में जाते हैं ये सब क्या है इस एनवायरमेंट के काम है करेक्ट हो गया द environment इज एबल टू परफॉर्म these functions विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज द डिमांड फंक्शन इज विद इन इट्स कैरिंग कैपैसिटी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कैरिंग कैपैसिटी देखो एनवायरमेंट ये चारों फंक्शंस तब तक पूरा कर सकता है जब तक हम जो रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं ना कोल पेट्रोल सारे रिसोर्सेज की जो हम डिमांड कर रहे हैं वो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर अंदर है अच्छा मैम कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है देखो हमारा एनवायरमेंट मान लो इतने रिसोर्सेज को क्या कर सकता है जनरेट कर सकता है हमारा एनवायरमेंट इतने रिसोर्सेज बना सकता है लेकिन मान लो अगर हम इतने रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं हम इतने रिसोर्सेस की डिमांड करें एनवायरमेंट बना इतना सकता है हम डिमांड इतने की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यार एनवायरमेंट जनरेट ही नहीं कर पा रहा उससे ज़्यादा की हम डिमांड कर रहे हैं इसका मतलब हम हमारे एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को चैलेंज कर रहे हैं किससे चैलेंज कर रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी को चैलेंज कर रहे हैं तो जब तक ये सारी चीज़ें एन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर अंदर है कि एनवायरमेंट में इतना जनरेट करा हम लोग इतने की ही डिमांड करें या फिर कम की डिमांड कर रहे हैं तब तक एनवायरमेंट अपने फंक्शंस पूरे कर सकता है लेकिन एनवायरमेंट जनरेट इतना कर रहा है आप डिमांड इतने की कर रहे हो आप इस कैपेसिटी को चैलेंज कर रहे हो ऐसे में एनवायरमेंट अपने फंक्शन को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा वही लिखा है इट इम्प्लाइज डेट द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अब द रेट ऑफ रीजेनरेशन एनवायरमेंट रिसोर्सिस को रीजेनरेट करता है बना सकता है उनका एक्सट्रैक्शन जो है वो रीजेनरेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन आज की डेट में ये जो एक्सट्रैक्शन है ये रीजेनरेशन से ज्यादा होता है समझ में आया

पॉसिबल है हम कहीं ना कहीं उस फंक्शन को चैलेंज कर रहे हैं और ऐसे में जन्म हो जाता है क्राइसिस कि हमारा एनवायरमेंट जो है वो क्राइसिस फेस करता है प्रॉब्लम रीजन आप सबको पता है हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है आज इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं हम लोगों को हर चीज चाहिए हम कितना ज्यादा कंजम्पशन करने लग गए हैं डेवलपमेंट इतना हो रहा है कि प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ जाती है इतना ज्यादा कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन होता है तो बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है हम किसे चैलेंज कर देते हैं हमारी एब्जॉर्बिव कैपेसिटी को समझ में आ गया द पास्ट डेवलपमेंट हैज पॉल्यूटेड एंड ड्राइड अप रिवर्स एंड अदर इक्विफर्स मेकिंग वाटर एंड इकोनॉमिक गुड ये मैंने ऊपर भी बताया था जो सत्तर साल से हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है इस डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों ने हमारे वाटर को इतना हार्म पहुंचाया है कि आज पानी क्या बन चुका है एक इकोनॉमिक गुड बन चुका है पानी को बेचा जाता है ना पहले पानी पिलाना धर्म की बात थी आज पानी को बेचा जाता है हम घर में आर लगवाते हैं वही फ्रेश वाटर के लिए लगवा रहे हैं ना अलग अलग चीज़ें हैं या फिर हम डिस्लरी की वॉटर मिनरल वाटर वगैरह खरीदते हैं तो पानी एक इकोनॉमिक गुड बन चुका है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स हैज एक्सॉस्टेड सम ऑफ द वाइटल टू ह्यूज अमाउंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्स इंपॉर्टेंट बात है जो हम इतना सारा रिसोर्स को बिना सोचे समझे इनडिसक्रिमिनेटली खर्च करते जा रहे हैं आज हमारी सरकार को टेक्नोलॉजी पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है हमारी सरकार रिसर्च कर रही है और नए रिसोर्सेस को खोज रही है समझ में आया हम लोगों ने अवेलेबल को को खत्म कर दिया तो आज हमारी सरकार टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है कि यार जो हम खत्म करते जा रहे हैं उनका कोई ढूंढा जा रहा है उनकी जगह पर दूसरे रिसोर्सेस रिसर्च करे जा रहे हैं साथ साथ में आज हमारा एनवायरमेंट की क्वालिटी धीरे धीरे खराब होती जा रही है इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है इतना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन है कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रहा है बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है अजमा वगैरह हो गया कैंसर वगैरह होता है रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं वाटर वाटरबॉर्न डिजीजेस है पानी से होने वाली बीमारियां हैं जैसे गंदा पानी पी लिया तो कोलेरा हो जाएगा टाइफॉइड वगैरह हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब हो रहा है और इसकी वजह से हम लोगों ने दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म दिया है डैट इज इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा होता है ओजोन डिप्रेशन एक बार मोटा मोटा यही बता देती हूँ देखो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है आज जो हमारा ग्लोब है मतलब पूरा का पूरा जो अर्थ है वो गर्म होता जा रहा है गर्म क्यों हो रहा है क्योंकि हम बहुत सारी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है मीथेन बढ़ता जा रहा है नाइट्रीज ऑक्साइड बढ़ता जा रहा है तो अर्थ जो है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है हमारी जो ग्लेशियर्स है जो पोलर आइस है वो धीरे धीरे पिघलने लगी है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं है पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है और एक होता है ओजोन डिप्लेशन ओजोन डिप्लेशन मतलब हमारा अर्थ है अर्थ की एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्राटोसफेयर क्या बोलते हैं स्ट्रेटोस फेयर इस ट्रेटोस्फेयर में भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर ये जो ओजोन लेयर होती है ये हमें सूरज की सन की हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम तक पहुंच रही है उन रेडिएशन से बचाती है लेकिन इस ओजोन लेयर के अंदर होल होने लग गया है और वो सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ तक हम तक पहुंचने लगी है जो स्किन कैंसर का कारण है बहुत सारी बीमारियों का कारण है तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स है ये क्यों हो रही है क्योंकि हमारा एनवायरमेंट खराब होता जा रहा है और इसी की वजह से एक लाइन निकल कर आती है

Uh, हमारा जो हमें हेल्थ पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गया ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीशन देखने को मिल रहा है हम लोगों को अच्छा खासा टेक्नोलॉजी और रिसोर्स पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है कि हम नए नए रिसोर्सेज को डिस्कवर कर सके तो वही नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये लाइन गिवन होगी आपको तीन नंबर के अंदर एक्सप्लेन करना है तो आपको ये तीनों रीजनस यहाँ पर लिख कर आने हैं समझ में आ गया अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक बार ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग मैंने बता दिया ग्लोबल वार्मिंग क्या है हमारे जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है क्यों इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एनवायरमेंट में आज की डेट में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं ग्रीन हाउस गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इतने ज्यादा अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे बहुत ज्यादा अगर हम पेड़ वगैरह काटेंगे तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरमेंट में रिलीज होंगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा पेड़ सी को एब्जॉर्ब करते हैं वो सी इंक्रीज होती जाएगी तो ये मेन रीजन हो गया बहुत सारा हम जो कोल

इसका इंपैक्ट क्या होगा ऑब्वियसली बात है जो पोलर आइस है वो आइस पिघलती जा रही है तो जो सी लेवल है वो इंच से बढ़ता जा रहा है हर साल कुछ 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 हमारा सी लेवल बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पोलर आइज़ है वो मेल्ट हो रही है तो फ्लड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई यहाँ पर कहीं ना कहीं कही इंटरप्ट हो चुकी है कहीं ना कहीं डिज़ास्टर्स आने के चांसेस रहते हैं डिजीजेस फैलने के चांसेस रहते हैं जो हमारी पोलर लाइफ है जो स्नो लाइफ है जैसे पोलर बियर्स वगैरह हो गए वो जो फर वाले जो जानवर है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी खतरे में में है और हमारा जो है है वो बिगड़ता जा रहा समझ में आया कौन-कौन से factors है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो हम इतना सारा कोल और पेट्रोल बर्न करते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट में रिलीज होती है सीओ कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन इट्रियस ऑक्साइड और ओजोन डिफॉरिस्ट्रेशन हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे एनवायरमेंट में सीओ टू बढ़ती जा रही है ये जो कैटल प्रोडक्शन होता है एनिमल्स वगैरह होते हैं इनका जो वेस्ट होता है उससे एनवायरमेंट में मीथेन रिलीज होती है इन सब की वजह से हमारी एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही है दिस इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है क्योटो प्रोटोकॉल क्या याद रखोगे क्योटो प्रोटो call क्योटो जापान के अंदर मीटिंग हुई थी जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल आया क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो कम से कम, है, 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 कम से होना चाहिए ये जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही इसका ये जो रिलीज है ये ये जो प्रोडक्शन है कम कम से होना चाहिए तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाई इंडस्ट्रियलाइज नेशन ये जितने भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है यहां से ग्रीन हाउस गैसेज का रिलीज कम से कम होना चाहिए इसे रिड्यूस करो तो हम ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं समझ में आ गया आगे देखो बात करते हैं अगेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है हमारा जो एनवायरमेंट खराब हो रहा है क्या ये शुरू से होता आ रहा है क्या शुरू से ऐसा ये क्या हमारा एनवायरमेंट खराब ही होता जा रहा है या फिर ये एक नया मुद्दा है ये अभी देखने को हमें मिल रहा है तो देखो जब हम पुराने दिनों की बात करते हैं बहुत साल पहले की जब हम बात करते हैं जब सिविलाइजेशन की जस्ट शुरुआत ही हुई थी दुनिया बसने लगी थी सभ्यताएं डेवलप हुई थी लोग बसने लगे थे जब इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तब क्या था डिमांड जो थी ना रिसोर्सेस की वो डिमांड तो इतनी थी और रिसोर्सेज की जो सप्लाई थी वो सप्लाई ज़्यादा थी मतलब डिमांड कम थी अच्छी बात है रिसोर्सेज की सप्लाई इतनी है हम इतनी ही डिमांड करते थे तो चीज़ें सारी की सारी मैनेजिएबल थी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी हम इतनी डिमांड भी नहीं कर रहे थे एनवायरमेंट इतने रिसोर्सेज बना सकता है हम सिर्फ इतनी सी डिमांड कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया बहुत सारी इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी उल्टा हो गया अब हम रिसोर्सेज की डिमांड इतनी करते हैं ठीक है और रिसोर्सेस की सप्लाई जो है वो सप्लाई सिर्फ इतनी है तो अब हम कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को चैलेंज करने लग गए पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ती जा रही है इतना प्रोडक्शन इतना कंजम्पशन हो रहा है कि हम एनवायरमेंट की जो वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है उस एब्जॉर्पटिव कैपेसिटी को भी जन्म दे रहे हैं तो अब हमें देखने को मिलता है सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप जो है वो रिवर्स हो चुका है रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप पहले सही था डिमांड इतनी थी सप्लाई इतनी थी अब ये रिवर्स हो चुका है डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो इसे हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप वही लिखा है एक बार मैं रीड कर देती हूँ कि बिफोर कंट्रीज टूक टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वॉज मच लेस देन देयर सप्लाई डिमांड कम थी सप्लाई ज्यादा थी पॉल्यूशन भी इतना नहीं होता था तो चीजें जो थी वो एनवायरमेंट की एब्जॉर्टिव कैपेसिटी के अंदर थी द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वॉज लेस देन द रेट ऑफ रिसोर्स रीजेनरेशन कि एनवायरमेंट रिसोर्सिस इतने रीजेनरेट करता था बनाता था और हम सिर्फ इतने ही खर्च करते थे डिमांड बहुत कम थी बट जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया लोगों की नीड्स बढ़ने लगी द रिजल्ट वॉज दैट डिमांड फॉर रिसोर्स फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेंट बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन धीरे धीरे प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती गई सप्लाई उतनी की उतनी रह गई डिमांड सप्लाई रिवर्सल हमें देखने को मिला और उसी की वजह से जन्म हो गया एनवायरमेंटल क्राइसिस का करेक्ट है इंक्रीज डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्स एंड सर्विसेज देयर सप्लाई इज लिमिटेड ड्यू टू ओवर यूज एंड मिस यूज हमें पता है कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का ओवर यूज भी हो रहा है रिसोर्सेज मिस यूज भी हो रहा है अब इस बात का मतलब भी समझ लो देखो रिसोर्सेज का ओवर यूज कहाँ होता है बेसिकली अर्बन एरियाज के अंदर होता है कि अर्बन एरियाज के अंदर शहरों के अंदर लोगों के पास में पैसा ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा कंजम्पन करते हैं लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा कंजपशन करते हैं और अर्बन एरियाज के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है इन In इंडस्ट्रीज के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है तो यहां पर ओवर यूज हो रहा है वहीं मिस यूज की अगर हम बात करें तो जो रूरल एरियाज हैं पर पर का होता होता है गलत होता है गलत उपयोग लोगों के पास में इतनी ज्यादा पॉवर्टी है इतनी गरीबी है कि लोग ट्रीज कट करते हैं वहां पर क्या होता है डिफॉरेस्टेशन होता है लोग ट्रीज कट करते हैं ताकि उस वुड से वो घर का चूल्हा वगैरह जला सके वुड को बेच के वो लोग पैसा कमाते हैं तो अर्बन एरियाज में रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है रूरल एरियाज में रिसोर्सेज का क्या हो रहा है मिस यूज हो रहा है समझ में आ गया एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं ओजोन डिप्लिशन मैंने अभी भी बताया था ये हमारा अर्थ है अर्थ के अंदर एक लेयर है डाटा स्ट्रेटोसफेयर क्या नाम है स्ट्रेटोसफेयर इस स्ट्रेटोसफेयर के अंदर एक लेयर प्रेजेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर क्या कहते हैं ओजोन लेयर ये जो ओजोन लेयर है ये हमें किससे बचाती है जो सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन है उन्हें हमारे पास आने से कहीं ना कहीं रोकती है लेकिन हमारी हार्मफुल एक्टिविटीज की वजह से जो हम इतने सारे कूलिंग सब्सटैंसेज यूज कर रहे हैं कूलिंग सब्सटैंसेज में हमारा ए आ गया हमारा फ्रिज वगैरह आ गया रेफ्रिजरेटर इनसे रिलीज होता है हमारा क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड क्या रिलीज होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड सी भी बोलते हैं और जो इतने सारे हमारे हॉट सब्सटेंसेस हैं जैसे फायर एक्सटैंग्विशर्स वगैरह हो गए आग बुझाने के लिए होते हैं हीटर वगैरह होते हैं उनसे रिलीज होता है ब्रोमोफ्लोरोबन कंपाउंड क्या रिलीज होता है ब्रोमोफ्लोरोबन कंपाउंड इन सब चीजों की वजह से ये जो क्लोरो फ्लोरोबन कंपाउंड है ब्रोमोफ्लोरोबन कंपाउंड है उसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है इस ओजोन लेयर के अंदर आज एक होल होता जा रहा है और अब सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट वायलेट रेडिएशन हम तक पहुंचने लगी है इसे हम लोग बोल देते हैं ओजोन डिप्लीशन वही

सन की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन है वो हम तक पहुंचने लगी है जो बहुत सारी चीज़ों का कारण है जैसे स्किन कैंसर इसकी वजह से बढ़ता जा रहा है फाइटो uh, का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है जो पानी के अंदर आपने वो देखा होगा वो ग्रीन ग्रीन कलर की होती है ना काई हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में एल्गे बोलते हैं उसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है जब उसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है ना तो कहीं ना कहीं जो पानी में रहने वाले एनिमल्स uh, हैं जो प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स फील होते हैं उनकी लाइफ पर बनाती है उनकी लाइफ खराब होती जा रही है जो टेरिस्टोरियल प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी खराब होती जा रही है इसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसी को दिमाग में रखते हुए एक प्रोटोकॉल आया वहां से याद रखना है आपको क्योटो प्रोटोकॉल और यहां से याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता है कि बहुत सारे जो क्लोरोफ्लोरोबन कंपाउंडस हैं और जो ब्रोमोफोमोकार्बन कंपाउंड हैं जिनकी वजह से हमारी ओजोन लेअर डिप्लीट होती जा रही है उन्हें बैन करा गया उन्हें बैन करा गया तो बैनिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड साथ साथ में बहुत सारी अदर चीजें हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया ट्राईक्लो ट्राईक्लोरोन हो गया और ब्रोमाइन कंपाउंड्स है जैसे हम हैल्स भी बोलते हैं इन सारी चीजों को क्या करा गया बैन करा गया करेक्ट है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो तो पहला हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोगों ने बेसिक एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया अब सेकंड आता है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया की हमारा एनवायरनमेंट कैसा है इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज ग्रीन फॉरेस्ट प्लान्टी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स देखो हमारे पास है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है हमारे यहाँ की ब्लैक सॉइल तो इतनी अच्छी है कि उसमें शानदार क्वालिटी का कॉटन ग्रो करा जाता है बहुत सारी हमारे यहाँ पर रिवर्स हैं ट्रिब्यूटरीज है ग्रीन फॉरेस्ट बहुत सारे हैं बहुत सारे मिनरल्स हमारे देश में पाए जाते हैं इवन हमारे यहाँ पर हमें इंडियन ओशियन भी मिल जाता है ब्लैक सॉइल इतनी अच्छी है जिसमें हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन ग्रो कर सकते हैं इवन अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी तक का जो प्लेन एरिया है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है कैसा लैंड है फर्टाइल लैंड है जिस पे हम अच्छा खासा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकते हैं तो हमारे पास में रिसोर्सेस तो बहुत सारे हैं बहुत सारा आयरन ओर है कोल है हमारे पास में नेचुरल गैस है इवन बॉक्साइड कॉपर क्रोमेट डायमंड गोल्ड लेड लिग्नाइट मैंगनी जिंक यूरेनियम ये सब कुछ हमारी कंट्री में बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है सब कुछ बहुत अच्छा है अब है नेचुरल रिसोर्सेज की लेकिन हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में हम कहीं ना कहीं ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है बहुत सारे हैं लेकिन है तो लिमिटेड ही ना इन्हें बनने में सालों लगते हैं मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं नॉन रेन्यूएबल चीज़ें है, हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में हम कहीं ना कहीं हमारे खत्म करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी कहीं अच्छा well अच्छा कही कही हम हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाते जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है अब इसके पीछे रीजन क्या यहाँ पर एक आती है थ्रेट टू इंडिया का मतलब है ये जो एनवायरमेंट को हम हार्म पहुंचा रहे हैं यहां पर दो ऑपोजिट चीजें हमें देखने को मिलती है डायकॉट में मतलब ऑपोजिट अब ये ऑपोजिट भी मैंने आपको पहले बता दिया कि एक तरफ तो रूरल एरियाज हैं रूरल एरियाज के अंदर रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं क्यों क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर पोवर्टी है पोवर्टी है गरीबी है तो लोगों को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है पेड़ काट के उन पेड़ों से लोग घर का काम करते हैं चूल्हा वगैरह जलाते हैं उन लकड़ियों को बेच के वो पैसा कमाते हैं तो एक तो गांव के अंदर तो पोवर्टी की वजह से रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं एनवायरमेंट खराब हो रहा है उल्टा अर्बन एरियाज के अंदर लोगों के पास में इतना पैसा है कि वो अनाप शनाप कंजम्पन कर रहे हैं वहां पर इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है कि इंडस्ट्रीज की से हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है हमारे करे जा रहे हैं तो वही है, है दोनों अदर उल्टी उल्टी चीजें हैं गांव के अंदर पॉवर्टी की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरमेंट खराब हो रहा है एट द सेम टाइम अर्बन एरियाज के अंदर पॉल्यूशन है क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बहुत ज्यादा व्हीकल्स वगैरह है दिस इज करेक्ट हो गया

कर्नाटक के अंदर आया हमारा आपिको मूवमेंट कुल मिला के दोनों मूवमेंट्स के अंदर जब ट्रीज को कट करा जा रहा था तो वहां पर जो रहने वाले लोकल लोग थे उन्होंने इस तरह से ट्रीज को हक कर लिया था कि अगर आपको ट्रीज कट करने हैं तो आपको हमें भी काटना पड़ेगा तो ये देख रहे हो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं था सिर्फ लोगों का प्यार था पेड़ों के प्रति कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो आपको साथ साथ में हमें भी काटना पड़ेगा 8 सितंबर 1983 एटी थ्री ये आपिको मूवमेंट की बात है कर्नाटका के अंदर वेन द फैलिंग ऑफ ट्रीज वालकानी फॉरेस्ट इन सिरसी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में सिरसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सालकानी फॉरेस्ट के अंदर जब लोग पेड़ों को कट कर रहे थे कॉमर्शल परपजेस के लिए तो वन सिक्सटी मैन वेमेन एंड चिल्ड्रेन हक द ट्रीज एंड फोर्स द वुड कटर्स टू लिव इस तरह से लोगों ने पेड़ों को हट कर ह, हक कर लिया और लोगों को फोर्स करा कि अब आ, आप लोग जाओ आप हमारी परमिशन के बिना ही पेड़ों को नहीं काट सकते इनडिस्क्रिमिनेटली फैलिंग ऑफ ट्रीज फॉर वुड एंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज हैज़ लेड टू मैनी एन्वायरमेंटल प्रॉब्लम वही है कि जब हम पेड़ों को बहुत ज्यादा इंडस्क्रिमिनेटली बिना समझे काटते हैं फ्यूल वुड के लिए घर का चूला जलाने के लिए या फिर इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को बहुत हार्म होता है और यहाँ पर लोगों ने क्या शर्तें रखी लोकल लोगों ने बोला कि अगर आपको कोई भी ट्रीज कट करने हैं तो सबसे पहले आपको हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा सबसे पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी ट्री जो किसी भी वाटर सोर्स किसी भी पॉन्ड, किसी भी लेक किसी भी रिवर के 100 मीटर के दायरे के अंदर अंदर है आप उस ट्री को कट नहीं कर सकते अगर कोई भी ट्री किसी भी वाटर सोर्स रिवर लेक वगैरह पॉन्ड वगैरह के 100 मीटर्स के दायरे में आता है रेडियस में आता है तो आप उस ट्री को कट नहीं कर सकते हो प्लस अगर कोई भी ट्री हाइट पर है इस तरह से 30 डिग्री के एंगल पर जैसे ये है हाइट पर है 30 डिग्री के एंगल पर अगर कोई ट्री है तो आप उस ट्री को कट नहीं कर सकते अगर इस ट्री को कट करा जाएगा तो लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है ना इस तरह के यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए आगे बढ़ जाए ऑफ द फैक्टर्स responsible फॉर लैंड डिग्रेडेशन हमारा जो लैंड है उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है लैंड ऐसा होता जा रहा है कि फ्यूचर में हम उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर पाएंगे तो इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक तो लॉस ऑफ वेजिटेशन वेजिटेशन खत्म होता जा रहा है पेड़ वगैरह कट करे जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करा जा रहा है ताकि वहां पर रेजिडेंशियल एरियाब्लिश कर सके बिल्डिंग्स बना सके कंपनीज वगैरह बना सके डिफॉरिस्टेशन अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉर्डर एक्स्ट्रेक्शन वही है घर में जलाने के लिए घर के कामों के लिए जो वुड्स वगैरह को यूज करा जा रहा है ट्रीज को कट करा जा रहा है या फिर गाय भैंस को छोड़ दिया जाता है चारे के लिए कि भाई यहाँ पे खेत में घुस जाओ ये तुम्हारा चारा है उसकी वजह से हमारा लैंड खराब होता जा रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है बहुत बार फार्मर्स क्या करते हैं एक पीस ऑफ लैंड पर फार्मिंग करते हैं जब लगा यार इस लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है अब इस लैंड पर हम फर्दर फार्मिंग नहीं कर पाएंगे तो वो दूसरे पीस ऑफ लैंड पर शिफ्ट कर जाते हैं तो इस तरह से वो सारे लैंड को धीरे धीरे खराब करते जा रहे हैं एनक्रोचमेंट इन टू फॉरेस्ट लैंड हम फॉरेस्ट लैंड्स को खत्म करते जा रहे हैं फॉरेस्ट को क्लियर करके जानवर बेचारे कहाँ रहेंगे वहां पर हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं कंपनीज फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं फॉरेस्ट में आग लग जाती है ओवर ग्रेजिंग है एनिमल्स घुस जाते हैं चारा चल रहा है उनका पूरी फसल को खराब कर देते हैं नॉन डॉप ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स हम हमारी सॉइल को कंजर्व करने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए उसे बचाने के लिए कोई मेथड्स कुछ मेजर्स वगैरह नहीं ले रहे इम प्रॉपर क्रॉप रोटेशन कभी भी कोई भी क्रॉप ग्रो कर देते हैं स्टडी ही नहीं करते कि एक के बाद ये वाली क्रॉप हमें ग्रो करनी है इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी कभी भी कोई भी क्रॉप ग्रो कर दी एक ग्रो करी दूसरी क्रॉप ग्रो कर दी इसी के बाद में तो इम प्रॉपर क्रॉप रोटेशन है जो हम इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं केमिकल्स यूज कर रहे हैं पूरे ग्राउंड वाटर को खत्म करते जा रहे हैं ग्राउंड वाटर हम क्यों खत्म करते जा रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स लोग बसते जाएंगे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ग्राउंड वाटर खत्म होगा पीने के लिए पानी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए हम खत्म करते जा रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए हम खत्म करते जा रहे हैं आगे है ओपन एक्सेस रिसोर्सेज हमने हमारे लैंड को ओपन छोड़ दिया है कि कोई भी एनिमल इनके अंदर घुसे और आराम से यहाँ पर जाके इसकी फसल को खत्म कर दे खुद का चारा के लिए खुद के खाने के लिए तो एनिमल्स घुस जाते हैं गाय भैंस वगैरह घुस जाते हैं खुद के चारे के लिए पूरे लैंड को खराब कर दिया जाता है ओवर ग्रेजिंग हो रही है पॉवर्टी की वजह से भी लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ट्रीज कट करते हैं ताकि वो उस बुट से चूल्हा जला सके उसे बेच के वो पैसा कमाते हैं ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन करेक्ट है अब एग्जाम में लिखे हुए आ सकते हैं तीन करेक्ट होंगे एक इनकरेक्ट आपके पास में गिवन होगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन तो आपको याद होने चाहिए सारे समझ में आया आगे देखो एक छोटा सा टॉपिक आता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसे हम सीपीसीबी भी बोलते हैं सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फुल फॉर्म आपको याद रखनी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे देश में वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और इन्हीं दोनों मुद्दों को एड्रेस करते हुए हमारी सरकार ने बनाया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? करता है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कुल मिला के तो एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है सीपीसीबी की दूसरा आपको याद रखना है कब स्टैब्लिश हुआ फोर के अंदर और तीसरा आपको याद रखना है कि कौन से दो प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करता है वाटर पॉल्यूशन को और एयर पॉल्यूशन को समझ में आया अब इसके फंक्शंस भी आपको दिमाग में रखने हैं फंक्शंस क्यों दिमाग में रखने हैं चार फंक्शंस गिवन होंगे तीन सही होंगे एक गलत होगा पूछेगा कौन सा सीपीसीबी का फंक्शन नहीं है तो इसका काम है इन्वेस्टिगेट कलेक्ट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर एयर एंड लैंड पॉल्यूशन इसका काम क्या है सीबीसीबी का वाटर और लैंड पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को लोगों को सप्लाई करना सरकार को सप्लाई करना ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर सीवेज ट्रेड एफ्लुएंट एंड एम्यूशन जो इतना सारा वेस्ट जनरेट होता है सीवेज वगैरह होता है उसका किस तरह से डिस्पोजल करना है किस तरह से उस वेस्ट को ठिकाने लगाना है वेस्ट को खत्म करना है ट्रीट करना है उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना सरकार को टेक्निकल हेल्प देना ताकि स्ट्रीम्स को सरकार क्लीन कर सके रिवर्स वगैरह को सरकार क्लीन कर सके वेल्स कुएँ वगैरह को सरकार क्लीन कर सके एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन वगैरह की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड फॉर देयर प्रिवेंशन वही है एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉब्लम है इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके लिए स्टेप्स लेना मास मीडिया को यूज लेना और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जनरेट करना कि आप एयर पॉल्यूशन मत करो वाटर पॉल्यूशन मत करो टीवी में दे दिया न्यूज पेपर में दे दिया मैगजीन्स वगैरह में दे दिया मैनुअल छपवाना कोड ऑफ कंडक्ट सेट करना कि आप गाइडलाइन सेट करना कि आप किस तरह से जो भी सॉलिड वेस्ट है जो भी वेट वेस्ट है किस तरह से सीवेज को वेस्ट को ट्रीट करोगे वेस्ट का किस तरह से डिस्पोजल होना चाहिए उसके किस तरह से ट्रीट करना है पीरियोडिकली इंस्पेक्ट एवरी इंडस्ट्री अच्छा अब इसके अंडर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं टाइम टू तो टाइम उन इंडस्ट्रीज़ को इंस्पेक्शन करना उन्हें चेक करना उन्हें इंस्पेक्ट करना कि भाई ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमारे एनवायरमेंट को तो हार्म नहीं पहुंचा रही है ना इन इंडस्ट्रीज से जो गैसेज वगैरह रिलीज हो रही हैं जो भी वेस्ट रिलीज हो रहा है उस वेस्ट को किस तरह से ट्रीट करा जा रहा है कलेक्ट कोलेट एंड डिस्कनेट टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करना और उस डेटा को आगे सरकार वगैरह को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करना दे मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वाटर 125 ट्वेंटी फाइव रिवर्स हैं उनकी क्वालिटी को मॉनिटर करने का काम किसका है सीपीसीबी का है तो ये सारे फंक्शन एक बार रीड कर लेना इसमें से तीन फंक्शन करेक्ट गिवन होंगे एक इनकरेक्ट गिवन होगा वो आपको वहां पर लिखना है करेक्ट है मेन चीजें क्या याद रखोगे फुल फॉर्म क्या है सीपीसीबी की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब सेटअप हुआ 1974 के अंदर दो मेजर इश्यूज को एड्रेस करता है एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन और लास्ट है इसके फंक्शंस आगे बढ़ जाए एयर पॉल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज हमें पता है शहरों में एयर पॉल्यूशन अच्छा खासा है दो मेन रीजन है एक तो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है अर्बन एरियाज के अंदर और दूसरा रीजन है वेक्यूलर एमिशन जो इतने सारे वेक्यूल हैं मतलब एक नॉर्मल पर्सन एक भी बंदा अगर घर से बाहर निकलेगा तो अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर निकलेगा उसकी वजह से हार्मफुल गैसेज एनवायरमेंट में रिलीज हो रही है तो पहला है इतना ज्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है दूसरा है वैक्यूलर एमेशन वही लिखा है सरकार ने क्या स्टैब्लिश करा सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है ये जो सीपीसीबी है इसने कितनी इंडस्ट्रीज़ को बताया है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो इसने 17 इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफाई करी है कि जो 17 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ है इन in इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है इंपॉर्टेंट बात है कितनी इंडस्ट्रीज सेवनटीन इंडस्ट्रीज़ जिनकी वजह से सिग्निफिकेंटली ये पॉल्यूटिंग है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे देश में होता है डेवलपमेंट टू इन्हांस आर करंट लिविंग स्टाइल्स विदाउट कंसर्न फॉर पोस्टैरिटी विल डिप्लीट रिसोर्सेज एंड डिग्रेड एनवायरमेंट एट अ पेस दैट इज बियॉन्ड टू रिजल्ट इन बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस हमें पता है हम हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे करेंट लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे एन्वायरमेंट की कैरिंग कैपैसिटी को चैलेंज चा, कर रहे हैं एन्वायरमेंट इतने रिसोर्सेज रीजनरेट कर सकता है लेकिन हम इतने रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं खत्म होते जा रहे हैं हम हमारे एनवायरमेंट की एबजॉर्प्टिव कैपेसिटी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि एनवायरमेंट इतने रिसोर्सेस इतना वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो हम इसे भी चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रही है कि हमारी सरकार को एक अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है इन चीजों को रोकने के ऊपर और इसी की वजह से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने अभी भी बताया था डेवलपमेंट हो बट डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में हम हमारे रिसोर्सेज जो है उन्हें खुद ही पूरा खत्म ना कर दे हम ये सोच के रखें कि यार ये जो रिसोर्सेज है ये हम लोगों ने आने वाली जनरेशन से बोरो करे हैं और उन्हें हमें ये रिसोर्सेज लौटा के जाने हैं इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बात दूसरी बात है हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में हम हमारा जो इतना सुंदर सा एनवायरमेंट है इस एनवायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचाए इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है एनवायरमेंट अच्छा रहेगा हमारा देश अच्छे से चलेगा एनवायरमेंट खराब होता जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट के रास्ते में प्रॉब्लम आ सकती है डेवलपमेंट एट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा

सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वन विच इज डायरेक्टली कंसर्न विद इंक्रीजिंग द मटीरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर जहां पर जो सोसाइटी का सबसे पुअर व्यक्ति है जो सोसाइटी का सबसे वीकर सेक्शन है ना हमारा उसका डेवलपमेंट हो उसकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो वो हर चीज का कंजम्पशन कर सके उसके पास में कपड़े हो खाने को हो घर पर सर के ऊपर छत हो एजुकेशन मिले हेल्थ केयर सर्विसेज मिले तो जो पुअर बंदा है जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो डैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है क्योंकि अगर आपने क्लास के सबसे वीक बच्चे के बारे में सोच लिया सबसे वीक बच्चे को अगर आपने होशियार कर दिया उसे चीजें समझ में आ गई मतलब इंटेलिजेंट को तो डेफिनेटली समझ

और हमारा मिडिल क्लास और रिच व्यक्ति उसकी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी वो गरीबी नहीं है तो पुअर व्यक्ति जो है वो एब्सोल्यूट गरीबी से बाहर निकले पोवर्टी से बाहर निकले डाटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो है आपकी कि रिसोर्सेज का हमारा डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हम हमारे रिसोर्सेज को ख़त्म ना करें उनका ओवर यूज या मिस ना हो प्लस हम हमारे एनवायरमेंट को भी कोई हार्म ना पहुंचाए डेवलपमेंट एट मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल जस्ट ऐसा डेवलपमेंट जहां पर सब लोगों की नीड्स पूरी हो स्पेशली पुअर लोगों की नीड्स पूरी हो डाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं जब हम हमारे नेचुरल रिसोर्स जो हैं कोल पेट्रोल वगैरह है, है इन्हें कंजर्व करेंगे इन्हें बचाएंगे प्रिजर्वेशन ऑफ द रीजनरेटिव कैपेसिटी जब हम हमारे एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंट जो रिसोर्सेज रीजनरेट कर रहा है बना रहा है उस कैपेसिटी को चैलेंज ना करें अवॉइडिंग द इम्पोजिशन ऑफ एडिड कॉस्ट ऑफ रिस्क ऑन फ्यूचर जनरेशन जब हम फ्यूचर जनरेशन पर कोई बर्डन ना डालें हम उन्हें भी रिसोर्सेज देकर जाए कि उन्हें रिसोर्सेज पर पैसा खर्च ना करना पड़े उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब ना हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कैसे हो सकता है लिमिटिंग एनवायरमेंट तो की एब्जॉर्टिव कैपेसिटी कैरिंग दोनों को हम चैलेंज कर रहे हैं तो सबसे मेन क्या है population, population को थोड़ा सा करना. हर की जड़, गरीबी की जड़ है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हम इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जहां पर प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट कम से कम लगे अपने आप रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे इनपुट कम से कम लगना चाहिए रेन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो अपने आप बनते रहते हैं अपने आप बनते रहते हैं उन्हें भी हमें सोच समझ के यूज करना है नहीं तो पता लगा एक ना एक दिन ये भी खत्म होते जाएंगे पानी अपने आप बन रहा है लेकिन पानी को भी हमें सोच समझ के यूज करना है ना नहीं तो एक दिन पीने लायक पानी बचेगा ही नहीं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी सोच समझ के यूज करना है और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो एक ना एक दिन वाकई में खत्म होते जाएंगे इन्हें तो हमें सोच समझ के यूज करना ही है इन एफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पोल्यूशन पोल्यूशन को हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है अपने आप देश में क्या होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब आता है शाप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्रैटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं नंबर वन है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम कन्वेंशनल पुरानेर्जी को यूज ना करें कन्वेंशनल मतलब जो हम बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं उन सोसेज ऑफ एनर्जी को यूज ना करें जैसे बहुत टाइम से हम हाइड्रो पावर प्लांट यूज करते हुए आ रहे हैं हम थर्मल पावर प्लांट्स यूज करते हुए आ रहे हैं हम इस तरह के कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज ना करें क्योंकि इनकी वजह से एनवायरमेंट में

रूरल एरिया के अंदर एलपी यूज करा जाए गाँव में लोग चूल्हा जलाते हैं उसमें कोयला जला लेते हैं उसी में वो लकड़ियां जलाते हैं जिसकी वजह से जो भी महिला चूल्हा जला रही है उसको बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है तो गाँव में भी एलपी गैस सिलेंडर्स का यूज करा जाए गोबर यूएस का यूज करा जाए और इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी योजना लेकर आए उज्ज्वला योजना क्या लेकर आए उज्ज्वला योजना के जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उन लोगों को गैस सिलेंडर अवेलेबल कराए जाते हैं सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर तो वही है जब गाँव के अंदर हम वुड यूज करते हैं या फिर काउडंग यूज करते हैं वो जो एनिमल वेस्ट वगैरह होता है जिससे घर में कई बार आरती भी करी जाती है इनकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ग्रीन कवर हमारा खत्म होते जा रहा है कहीं ना कहीं कैटर डंग से एयर पॉल्यूशन वगैरह होता है उसकी बजाय गाँव के अंदर गैस सिलेंडर्स एलपीजी वगैरह यूज करा जाए ये क्लीनर फ्यूल है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा वेस्ट यहाँ पर मिनिमम होता है पहली चीज तो क्या यूज करा जाए एलपीजी या फिर गोबर गैस अर्बन एरियाज के अंदर जो व्हीकल्स हैं वहां पर पेट्रोल डीजल की बजाय सीएनजी यूज़ करी जाए डेट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और दिल्ली के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है दिल्ली में बहुत सारी सीएनजी बसेस हैं तो ये थोड़ा सा क्लीनर है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल का यूज़ कम से कम होगा एयर पॉल्यूशन कम होगा हम विंड मिल को यूज़ कर सकते हैं आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से विंड मिल लगते हैं जब तेज हवा ब्लो करती है तो ये जो विंड मिल होता है ये विंड मिल घूमता है और इसके घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं जो लोकल एरिया है लोकल लोगों की जो डिमांड है वो डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं तो विंडमिल्स लगवाए जा सकते हैं इसका एन्वायरमेंट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता हमें पता है विंड मिल लगवाने की जो शुरुआती कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है बट एनवायरमेंट के लिए अच्छा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता प्लस जो लोकल लोग हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इससे पूरी हो जाती है जिस तरह से विंड एनर्जी उस तरह से हम सोलर एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं घरों के ऊपर आपने देखा होगा ना सोलर पैनल सारी सोलर एनर्जी बस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की कमी है टेक्नोलॉजी भी अब धीरे धीरे आने लग गई है तो वही सोलर पैनल बिचवाते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं जो सोलर एनर्जी से क्या बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उस घर की डिमांड पूरी हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की और इसी के लिए लिए हमारी कंट्री ने एक अलायंस सेटअप करा जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये याद रखना है कहीं ना कहीं हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकली और इंप्रूव कर रहे हैं कि हम इस सोलर एनर्जी को यूज कर सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लार्ज स्केल पर एक बड़े लेवल पर क्या नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक है मिनी हाइडल प्लांट्स हम छोटे छोटे से हाइडल प्लांट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं हमारे देश में आपको पता है अगर हम हिमालयास वगैरह की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं बहुत सारी नदियां हैं तो पानी अच्छी स्पीड से फ्लो करता हुआ आता है डैम्स वगैरह बनवा लेते हैं यहाँ पर डैम है यहाँ पर पानी रुक जाता है यहाँ से पानी फ्लो करता हुआ आएगा बहुत ही तेज स्पीड में यहाँ पर हम हाइडल प्लांट लगवा सकते हैं इसमें वही होता है इस तरह से कुछ होता है वो गोल 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 घूमता जाता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये जो पानी का फ्लो है इसकी वजह से ये टर्बाइन घूमता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं बहुत सारी नदियां हैं हम छोटे छोटे से हाइडल प्लांट्स इस्टेब्लिश करवा सकते हैं टर्बाइन घूमता है पानी के फ्लो की वजह से उसकी वजह से अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एनवायरमेंट फ्रेंडली है लोकल लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इससे आराम से

हमारे यहाँ पर फिफ्टीन थाउजेंड स्पीशीज़ ऑफ़ प्लांट्स है उसमें से 8000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है 15000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स व्हिच हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज 15000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसे हम एज अ मेडिसिन एज अ हर्ब यूज कर सकते हैं और 8000 तो ऐसे हैं जिसे यूज भी करा जाता है जैसे आयुर्वेदा में यूज कर रहे हैं यूनानी तिबितिन फोक सिस्टम्स यहां पर यूज करा जाता है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए तो हम भी इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों से बहुत सारे हेयर ऑयल बनते हैं टूथपेस्ट बनते हैं फेस लोशन फेस क्रीम्स वगैरह कॉस्मेटिक्स वगैरह बनते हैं एक होता है बायो कंपोस्टिंग जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया हम लोगों ने देखा था जब हम एच सीड्स को यूज करने लगे तो जब हम एच सीड्स को यूज करते हैं हमें बहुत ज्यादा के लिए केमिकल केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज यूज करने पड़ते हैं का हो रहा है बहुत सारा पेस्टिसाइड हमें यूज करना पड़ता है वो भी केमिकल से बना है बहुत सारा इंसेक्टिसाइड हमें यूज करना पड़ता है इन सबकी वजह से एक टाइम पर तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है लेकिन धीरे धीरे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जारी है तो वही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को यूज करने के लिए हम लोगों ने टोटली हम लोग किस पर शिफ्ट हो गए केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह पर इन चीजों पर शिफ्ट हो गए लेकिन धीरे-धीरे हमें क्या यूज करना पड़ेगा बायो कंपोस्टिंग बायो कंपोस्टिंग मतलब हम एनिमल वेस्ट को यूज कर सकते हैं एज अ खाद वो केमिकल फ्री है हम प्लांट वेस्ट को यूज कर सकते हैं एज अ खाद

तो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट प्रमोटिंग द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट हो कि एन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कम से कम हो एंड मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतें तो पूरी होती ही जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स बट प्रजेंट जनरेशन की नीड्स पूरी होती जाए लेकिन फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े फ्यूचर जनरेशन के पास में भी एक अच्छा एन्वायरमेंट हो उनके पास में भी रिसोर्स बचे